चलिए दोस्तों, आज और एक पेंटिंग बनाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा गाना लिखने का शौक़ है, इसलिए चैनल खोला भी हूँ। ड्राइंग का इच्छा है बचपन से, तो करता हूँ ये सब भी थोड़ा थोड़ा। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आदिवासी जो नहीं है वो भी समझेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, चित्रकारी करना, ड्राइंग करना, स्कूल का बच्चे लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत शौक़ होता है। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, बच्चों का, माता पिता से, बच्चे भी सुन रहे होंगे तो, लेकिन एक बात थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि माता पिता भी सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि माता पिता सपोर्ट नहीं करते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये सब बेकार काम है, इससे क्या होगा, इस तरह के बहुत सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। ऐसा मत कीजिए। बच्चे लोग अगर ड्राइंग करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी आर्ट कुछ करते हैं, कोई भी चीज़ में, उसको जिसमें कुछ बुराई नहीं है, करने दीजिए। अपना पढ़ाई छोड़ करके उससे में डूबे रहेगा तो ये सब भी ठीक नहीं है। इसे आपको प्यार समझाना होगा, कितना टाइम पढ़ना है और कितना टाइम को खेलना है, सबका टाइम है। उसको बताइए, समझाइए प्यार से, डांटिए मत। डायरेक्ट डांटना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह डांट से, इस तरह से माँ बाप का सपोर्ट नहीं होने से बहुत से लोग ना नरबसा जाते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। अगर इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं। बहुत से लोग उसका वजह से नरबसा जाते हैं, माँ बाप का डांट की वजह से, फिर वो लोग अपना लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा होता होगा, गारंटी है कैसा होता होगा, गारंटी तो मुझे पता नहीं है कैसा होता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कैसा होगा। माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, बस है। डांटिएगा मत बच्चे लोगों को। किसी का गाने में शौक है, किसी में डांस में शौक है, किसी में जो भी एक आर्ट है, यही है। और आदिवासी लोग में ज़्यादातर ये सब होता है। हम लोग आदिवासी में क्या होता है देखेंगे, आप लोग देखते ही होंगे, बेकार घूमना फिरना में माँ बाप नहीं बोलेंगे। जैसे कि पाड़ा हो गया, जुआ खेलना, इसमें कोई नहीं बोलेगा। अच्छा काम कीजिएगा तो माँ बाप भी बोलेगा, सब कोई बोलेगा। ये सब आदिवासी में सब में होता ही होगा, लेकिन आदिवासी में, तो मैं आदिवासी हूँ तो आदिवासी में देखा हूँ ऐसा होता है। तो डांटिएगा मत बच्चे लोगों को, ड्राइंग करने दीजिए। मेरा भी बहुत शौक था और मुझे भी खूब डांट मिलता था, लेकिन मुझे काफ़ी मदद मिला इसी ड्राइंग के चक्कर में। और माँ बाप का कुछ हेल्प भी कर पाता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी मदद करता हूँ तो इसी की वजह से कर पाता हूँ। मुझे भी खूब डांट मिलता था घर में, ये सब मत करो, ये सब है। मैं सबका बात नहीं सुनता था किसी का भी, अब मैं ज़बरदस्ती करता था और उसी की वजह से मैं आज घर में कुछ भी मदद कर पा रहा हूँ, हल्का फुल्का जो भी। इसमें मुझे करियर नहीं बनाना है, मुझे गाना लिखना है, उसमें भी मुझे करियर बनाना नहीं है। बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गाना लिख करके ही मेरा अपना समय बिताऊँगा। उसमें मेरा कुछ हो या नहीं हो तो भी करता रहूँगा। मैं अपना जिद कर चुका हूँ कि मैं गाना ही लिखूँगा यूट्यूब में और लोगों के बीच में अपना गाना को लाऊँगा। बस यही है दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं।